कहानी की शुरुआत में हम एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम है जैक, जिसके फादर एक फार्मर थे। जैक को कहानियां सुनना काफी पसंद था, खास तौर पर राजा महाराजाओं की कहानियां। एक किंग की कहानी वो काफी शौक से सुना करता था। ये उस टाइम की कहानी है जब एक किंग पूरे कंट्री पर हुकूमत किया करता था और उस किंग ने उस टाइम कुछ बीज बनाए जो आम बीज नहीं थे और उन्होंने बीज को जमीन में डाला क्योंकि वहाँ इंसानों से कई ज्यादा बड़े जायंट्स रहते हैं। यहाँ तक कि इंसानों को भी मारकर खाना शुरू कर दिया। ये तबाही देखकर किंग के साथियों ने एक जायंट को मार डाला। बाद में पेस्टर ने उस जायंट का दिल निकालकर उस पर एक मैजिक किया और उसके दिल से एक जादुई ताज बना दिया। और हैरत की बात यह है कि जब किंग उस ताज को पहनकर जायंट के सामने गया तो उन जायंट्स ने किंग के सामने अपने घुटने टेक दिए। फिर ये किंग ने उन जायंट को वापस उनकी दुनिया में जाने का ऑर्डर दिया और उन सब जायंट्स के चले जाने के बाद किंग ने उस ट्री को कटवा डाला और उस ट्री के बीजों को किंग ने हमेशा के लिए अपने पास संभाल कर रख लिया। और जब किंग की डेथ हुई तो उनके साथ उस कॉफिन में वो जादुई बीज और ताज हमेशा हमेशा के लिए दफना दिए गए। और ये कहानी जैक के अलावा प्रिंसेस को भी काफी ज्यादा पसंद थी क्योंकि प्रिंसेस उस किंग की फैमिली में से थी और उनकी मदर उनको हमेशा ये कहानी सुनाया करती थी। फिर हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम जैक को देखते हैं जो कि अब बड़ा हो गया था और वो सिटी में अपना घोड़ा सेल करने के लिए जा रहा होता है। और जब वो सिटी में पहुंचता है तो वो देखता है कि उसी किंग का ड्रामा चल रहा है जिसकी कहानियां वो बचपन में सुना करता था और वो भी ड्रामा देखने के लिए अंदर चला जाता है। वहां एक लड़की को देखता है जो कि वो प्रिंसेस थी जो कि अपना भेष बदलकर वहां आई थी और कोई उसे पहचान नहीं पाता कि वो प्रिंसेस है। और तभी कुछ लोग प्रिंसेस को परेशान करने लगते हैं। जैक प्रिंसेस को बचाने के लिए आगे बढ़ता है और वहाँ एक आदमी जैक के मुंह पर पंच मारता है। तब जैक उन्हें धमकाता है और वो सब घुटने टेक देते हैं। जैक समझता है कि वो लोग उससे डर गए, लेकिन जैक पीछे मुड़कर देखने पर पता चलता है कि प्रिंसेस के साथी वहाँ पर आ गए थे और उन लोगों की घुटने टेकने की वजह यही थी और प्रिंसेस उन लोगों के साथ चली जाती है। फिर हमें रॉड्रिक दिखाया जाता है जिसके साथ प्रिंसेस के फादर किंग प्रिंसेस की शादी करना चाहते थे लेकिन प्रिंसेस उसे पसंद नहीं करती थी और वो उससे शादी करना नहीं चाहती थी। रॉड्रिक देखता है कि उनके स्टडी रूम में सब कुछ बिखरा हुआ है तो वो चेक करता है कि क्या गड़बड़ है और उसे एक गमले में से ताज मिल जाता है जो सालों पहले जायंट के दिल से बनाया गया था, लेकिन एक चीज बुके में से मिसिंग थी। रॉड्रिक अपने आदमी को ऑर्डर देता है कि पूरे सिटी को बंद करवा दो और उस पेस्टर को कहीं से भी ढूंढ कर लाओ। जैक अपना घोड़ा बेचने के लिए सिटी में होता है और एक पेस्टर उसके पास आता है और कहता है कि मैं तुम्हारा घोड़ा खरीदना चाहता हूँ। जैक कहता है कि इसके लिए पैसे होने चाहिए जो कि पेस्टर के पास नहीं होते, जिस पर वो पेस्टर जैक को कुछ बीज देता है और एक फादर के बारे में बताता है कि ये बीज उनको दे देना और तुम्हें तुम्हारी पेमेंट मिल जाएगी। जिस पर जैक कहता है कि बीज के बदले में कौन पैसे देता है, वो पेस्टर जवाब देता है कि ये कोई आम बीज नहीं है बल्कि ये जादुई बीज है जो इतने पावरफुल है कि पूरे दुनिया को बदल सकते हैं और कीमती भी है और इन्हें किसी भी कंडीशन पर मत खोना और एक जरूरी बात, इसे पानी में तो बिल्कुल मत डालना। और वो पेस्टर जैक का घोड़ा लेकर वहां से चला जाता है लेकिन आगे जाकर पकड़ा जाता है। घर जाने पर जैक के अंकल उस पर गुस्सा करते हैं, ये तुमने क्या किया, घोड़े के बदले में बीज ले आए और उस पेस्टर ने तुम्हें बेवकूफ बनाया है। और गुस्से में आकर वो बीज नीचे गिरा देते हैं। जैक उन बीजों को उठाने लगता है लेकिन एक बीज लकड़ी के सुराग से नीचे जमीन पर गिर जाता है जिसका जैक को पता नहीं चल पाता। और रात होने पर बारिश गिरती है और प्रिंसेस वहां से गुजर रही थी क्योंकि रॉड्रिक से शादी करना नहीं चाहती थी और इसलिए नाराज होकर अपने घर से निकल आई थी। बारिश से बचने के लिए प्रिंसेस उस वुडन हाउस में आ जाती है। जैक को पता चल जाता है कि ये तो प्रिंसेस है और वो दोनों बातें करने लगते हैं। अचानक से बारिश का पानी लकड़ी के सुराग से होता हुआ उस बीज में चला जाता है जो कि जमीन पर गिरा हुआ था, जबकि उस पेस्टर ने कहा था कि इस पर पानी लगने मत देना। और बीज पर पानी लगते ही वहां वो ट्री उगने लगता है। अब जबकि उस ट्री की जड़ें घर के नीचे थी तो वो ट्री घर को भी अपने साथ ऊपर ले जाता है और प्रिंसेस वहां पर फंस चुकी थी। जैक के प्रिंसेस को बचाने के बावजूद फिर भी वो उस ट्री के साथ काफी ऊपर चली जाती है। अगले दिन प्रिंसेस के फादर किंग आते हैं जो
देखते हैं कि यहाँ एक काफ़ी बड़ा और लंबा ट्री है जो आसमान को छू रहा है, जिसको ये पता नहीं चल रहा है कि वो ख़त्म कहाँ हो रहा है। जैक उन्हें सारी बात बता देता है। किंग ऊपर जाने का इंतजाम करता है कि जाओ और मेरी बेटी को बचा कर लाओ। रॉड्रिक कहता है कि मैं भी जाऊंगा अपनी होने वाली वाइफ को बचाने के लिए और मैं उससे प्यार करता हूँ। जैक भी उन लोगों के साथ जाना चाहता था और वो उसे भी साथ ले जाते हैं। और जब ये ट्री के ऊपर चढ़कर आसमान की तरफ जा रहे होते हैं तो जानबूझकर रॉड्रिक उस रस्सी को काट डालता है, जिसकी वजह से कुछ सोल्जर्स नीचे गिर जाते हैं और मर जाते हैं और वो अपने लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। ऐसी दुनिया जो जमीन और हेवन के बीच में है। वहां पहुंचकर रॉड्रिक जैक को कहता है कि मुझे पता है तुम्हारे पास वो जादुई बीज है और तुम मुझे दे दो। जैक वो बीज देना तो नहीं चाहता था, लेकिन रॉड्रिक चाकू दिखाकर उसे वो बीज निकलवा लेता है। लेकिन जैक एक बीज अपने पास ही रख लेता है और वो तीन तीन लोग होकर अलग अलग जाकर प्रिंसेस को ढूंढने लगते हैं। हर तरफ उनकी जान का खतरा था। जिस ग्रुप में जैक था उनके सामने एक जायंट आ जाता है जो जैक के दोनों साथियों को पकड़ कर अपने साथ ले जाता है और जैक भी उसके पीछे पीछे जाता है, क्योंकि वो प्रिंसेस को हर हाल में ढूंढना चाहता था। वो जानता था कि जहां ये जायंट जा रहा है वहीं पर प्रिंसेस को छुपाया होगा। फिर हम रॉड्रिक के साथ उसके साथियों को देखते हैं। उनमें से एक को रॉड्रिक उठाकर जमीन पर फेंक देता है क्योंकि वो उसका साथी नहीं था। और तभी उनके सामने एक जायंट आ जाता है और वो रॉड्रिक की नजरों के सामने ही उसके साथी को मार डालता है। और अब वो रॉड्रिक को भी मारने वाला होता है, लेकिन रॉड्रिक एक जादुई ताज निकालता है और ये वही ताज था जो 1000 साल पहले जायंट के दिल से बनाया गया था, जिसे किंग ने बनवाया था और इसमें मैजिक की पावर भी थी। अब जाहिर सी बात है कि जिसके पास ये ताज होगा जायंट उसका हुक्म मानेंगे, और इसीलिए वो ताज पहनकर रॉड्रिक एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर बहुत ज्यादा जायंट्स थे और वहीं पर प्रिंसेस भी थी और उनका एक साथी भी था जिसे जायंट कर ले आया था। तो सारे जायंट उसके सामने घुटने टेक देते हैं। अब वो जायंट्स का जो हेड होता है रॉड्रिक उसे भी अपने आगे झुकने को कहता है और वो ऐसा ही करता है। रॉड्रिक उसके सर पर पांव रखकर तख्त पर आ जाता है और कहता है कि आज के बाद मैं तुम्हारा किंग हूं, अब हम जमीन पर जाएंगे और सबको अपना गुलाम बना लेंगे। एक जायंट प्रिंसेस और जैक के साथ ही एक फाइटर को अपने साथ किचन में ले जाता है और वो उस फाइटर को अपना खाना बनाने ही लगता है। और तभी वहां पर जैक आ जाता है। इससे पहले कि वो जायंट उसे मार डालता है, जैक वहां से एक बड़ा सा चाकू लेकर उस पर कूद पड़ता है और वो चाकू उस जायंट में घुस जाता है और वो मौके पर ही मर जाता है। और इस तरह से जैक उस फाइटर की जान बचा लेता है। फिर ये तीनों वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और ये एक ऐसी जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ ट्री के ज़रिए ये लोग नीचे ज़मीन पर जा सकते थे, लेकिन वहाँ काफ़ी बड़ा जायंट सोया हुआ होता है और उसकी मौजूदगी में वहाँ से कभी भी नहीं जा सकते। और इसीलिए जैक और वो फाइटर मधुमक्खी का छत्ता लेकर आते हैं और जो आर्मर मास्क उस जायंट ने पहन रखा था उसे खोलकर उन मधुमक्खी का छत्ता उसके अंदर छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वो जायंट जाग जाता है और अजीब तरह से तड़पने लगता है। और उस जायंट का बैलेंस बिगड़ जाने की वजह से वो नीचे ज़मीन पर आ गिरता है। नीचे किंग उसे देख लेता है और समझ जाता है कि जायंट अब नीचे आना चाह रहे हैं और वो अपने सोल्जर को ऑर्डर देते हैं कि इस ट्री को काट दिया जाए, क्योंकि अगर वो जायंट जमीन पर आ गए तो वो सब कुछ खत्म कर देंगे और फिर इस तबाही को कोई भी नहीं रोक पाएगा। वो फाइटर जैक और प्रिंसेस को कहता है कि तुम दोनों जमीन पर चले जाओ और मैं यहीं रुकता हूं, क्योंकि अगर वो जमीन पर चला गया तो हर जगह तबाही मचा देगा और मैं उसके इरादे अच्छी तरह से जानता हूं। और वो फाइटर वहीं पर रुक जाता है और जैक और प्रिंसेस ट्री के जरिए नीचे आने लगते हैं। अब किंग ऐसा चाहता तो नहीं था, लेकिन फिर भी वो ट्री कटवाने लगता है क्योंकि उसे पता था कि ट्री पूरी दुनिया के लिए खतरा है और तबाही का रीजन बन सकता है। दूसरी तरफ रॉड्रिक अपने जायंट सोल्जर के साथ जमीन पर आने की तैयारी कर रहा होता है और वहीं पर वो फाइटर भी छुपा हुआ था। लेकिन इससे पहले कि वो सोल्जर अपने बुरे इरादे से जमीन पर आने लगे, वो फाइटर रॉड्रिक पर अटैक कर देता है और उसे मार देता है और रॉड्रिक के सर से वो ताज वहीं पर गिर जाता है और जमीन पर दिखाया जाता है कि सोल्जर उस ट्री को काट चुके थे और वो ट्री आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाने लगता है। वो फाइटर ट्री के साथ नीचे गिर रहा होता है और दूसरी तरफ जैक और प्रिंसेस भी ट्री के साथ नीचे गिरने लगते हैं, लेकिन वो तीनों बच जाते हैं और वही ताज जायंट के हेड को मिल जाता है और वो उसे अपनी उंगलियों में पहन लेता है।
और सारे जायंट्स अब उसे अपना किंग मान लेते हैं। लेकिन अब ये जमीन पर नहीं जा सकते थे क्योंकि वो ट्री जो कट चुका था उन्हें वहाँ एक छोटी सी थैली मिलती है और इस थैली में वही बीज थे और ये वही जादुई बीज थे। किंग जायंट उन बीजों को पानी में फेंक देता है और वहाँ बहुत बड़े बड़े ट्रीज उगने लगते हैं और ये जायंट्स उन ट्रीज को ज़मीन की तरफ कर देते हैं और अब वो ज़मीन की तरफ बढ़ने लगते हैं। किंग को उसकी बेटी मिल जाती है और वो खुश हो जाता है और जैक को थैंक्स बोलता है, लेकिन वो नहीं जानता था कि जैक और प्रिंसेस एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। जैक प्रिंसेस को गुड बाय कहकर वहाँ से चला जाता है क्योंकि वो एक आम लड़का था, एक गरीब था। जब जैक अपने घर की तरफ जा रहा होता है तब वो देखता है कि वही ट्रीज दोबारा से ज़मीन की तरफ आ रहे हैं और वो फौरन समझ जाता है कि उन्हीं बीजों की वजह से उगे होंगे जो रॉड्रिक ने उससे छीन लिए थे। और अब जायंट्स जमीन पर आना चाहते हैं और फौरन घोड़े पर बैठकर राजा को ये बताने के लिए निकल पड़ता है कि सबकी जान खतरे में है। जैक किंग और प्रिंसेस तक पहुंच जाता है और कहता है कि जायंट्स आ चुके हैं और इतनी देर में वहां पर हर तरफ जायंट्स फैल चुके थे और तबाही मचाने लगे थे। और अपनी जान बचाने के लिए किंग और सोल्जर घोड़े पर बैठ कर पैलेस की ओर भागते हैं क्योंकि वहीं पहुंच कर वो खुद को सेव कर सकते थे, वरना वो जायंट्स का शिकार बन सकते थे क्योंकि ये लोग उसी किंग की नस्ल थे जहां से ये सारी कहानी शुरू हुई। और जायंट्स इस फैमिली को कभी भी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि इस किंग ने ताज पहनकर इन जायंट्स को वापस भेज दिया था और इससे पहले कि जायंट्स उन्हें नुकसान पहुंचाते वो सब पैलेस में आ जाते हैं, लेकिन जैक पीछे रह जाता है और जिस लकड़ी के पुल के जरिए वो सब यहां आए थे फाइटर उसे ऊपर खींचने का ऑर्डर दे देता है। लेकिन ऊपर जाने से पहले जैक बिल्कुल ठीक वक्त पर उसके ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन इन जायंट्स का हेड उस लकड़ी के पुल को पकड़ लेता है। वो फाइटर बाकी सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि तीरों की बारिश कर दी जाए और वो ऐसा ही करते हैं और जायंट्स हेड पानी में जाकर गिरता है। वहां पर आग लगी हुई थी और इसीलिए वहां से ना तो वो ऊपर जा सकता था, इसीलिए पानी में जाकर दूसरा रास्ता ढूंढने लगता है। दरवाजा बंद किया जा रहा था लेकिन जायंट्स रस्सियों की मदद से दरवाजे को अपनी ओर खींच रहे होते हैं और किंग के सोल्जर्स दरवाजे को अपनी तरफ खींच रहे होते हैं और वो जायंट्स जलते हुए ट्रीज को पैलेस के अंदर फेंकते हैं। एक जायंट निशाना बनाकर पैलेस की दीवार की तरफ फेंकता है और पैलेस की दीवार टुकड़े टुकड़े हो जाती है। इसे देख करके किंग फौरन समझ जाता है कि इन्हें रोकना इम्पॉसिबल है। किंग प्रिंसेस को कहता है कि तुम एक रूम में जाओ, वहां पर एक सीक्रेट रास्ता है जो तुम्हें एक जगह पर ले जाएगा, वह तुम्हें फायर टॉर्च मिलेगी और तुम उसे जला देना जिससे सबको पता चल सके कि हम लोग खतरे में हैं। जिस पर जैक और प्रिंसेस अपने मिशन की तरफ चल पड़ते हैं और जब वो महल में फायर टॉर्च की ओर आगे बढ़ते हैं तो ज़मीन फटने लगती है क्योंकि वो जायंट्स हेड जो पानी में गिरा था उसने ज़मीन को फाड़ कर ऊपर आ रहा था और बाहर आकर वो उन दोनों पर अटैक कर देता है और उन दोनों को पकड़ लेता है और वो जायंट जैक को खाने ही वाला होता है कि जैक वो आखिरी जादुई बीज निकालता है जो उसने संभाल कर रखा था और वो उस बीज को जायंट के पेट में डाल देता है। बीज पेट में जाते ही जायंट के साथ कुछ अजीब होने लगता है और वो उन दोनों को छोड़ देता है और उसके पेट में वो ट्री उगने लगते हैं जिसकी वजह से उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और जैक के पास उसका कटा हुआ हाथ आकर गिरता है जिसके हाथ में वही जादुई ताज था और दूसरी तरफ सारे जायंट्स पैलेस में आ चुके थे और उनके सामने किंग और सारे सोल्जर्स खड़े हुए थे और उन्हें अपनी मौत अपने सामने नजर आ रही थी। लेकिन अचानक से सब जायंट्स अपने घुटने टेक लेते हैं और वो लोग सोचने लग जाते हैं कि क्या हुआ। पीछे मुड़कर देखने पर उन्हें पता चलता है कि जैक अपने हाथ में वो ताज लिए हुए खड़ा है और वो उस ताज को अपने सर पर रख लेता है और वो सब जायंट्स को ऑर्डर देता है कि अपनी दुनिया में वो वापस लौट जाए। जब जायंट्स चले जाते हैं तो सब ट्रीज को कटवा दिया जाता है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये शानदार कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा वो हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।